नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भीगे या सूखे कौन से अखरोट होते हैं अधिक फायदेमंद। दोस्तों आइए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों अखरोट पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अखरोट में हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर, आयरन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा अखरोट पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फोलेट का भी अच्छा सोर्स होते हैं। इसलिए फिट और हेल्दी रहने के लिए आपको अपनी डाइट में अखरोट को ज़रूर शामिल करना चाहिए। वैसे तो अधिकतर लोग अखरोट को सीधे तौर पर खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अखरोट को भिगोकर खाना पसंद करते हैं। ऐसे में अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर भीगे या सूखे अखरोट में से क्या अधिक फायदेमंद होता है। दोस्तों आइए जानते हैं भीगे या सूखे कौन से अखरोट होते हैं अधिक फायदेमंद। दोस्तों वैसे तो भीगे और सूखे अखरोट दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए भीगे या सूखे अखरोट में से क्या अधिक फायदेमंद होता है, तो आपको बता दें कि भीगे अखरोट खाना अधिक लाभकारी होता है। शरीर भीगे हुए अखरोट से पोषक तत्वों को सही तरीके से अवशोषित कर सकता है। दोस्तों आइए जान लेते हैं अखरोट खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों अखरोट खाने का सबसे सही तरीका भिगोकर खाना होता है। इसके लिए आप अखरोट का गूदा निकाल लें, इसे एक गिलास पानी में भिगो कर रख दें, फिर इसका सेवन किया जा सकता है। भिगोए हुए अखरोट खाने से कई स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। दोस्तों भीगे हुए अखरोट खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। भीगे हुए अखरोट को पचाना भी काफ़ी आसान होता है। भीगे अखरोट खाने से पाचन भी दुरुस्त होता है। भीगे अखरोट खाने से एनर्जी मिलती है, इससे आप हमेशा फिट और हेल्दी रह सकते हैं। भीगे अखरोट खाने से हड्डियां मजबूत बनती हैं, साथ ही जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। दोस्तों जबकि सूखे अखरोट को पचाना काफ़ी मुश्किल होता है, कई लोगों को सूखे अखरोट खाने से एलर्जी भी हो सकती है। दोस्तों आइए जान लेते हैं अखरोट खाने का सही टाइम क्या है। दोस्तों अखरोट खाने का सबसे सही समय सुबह का होता है। आप सुबह खाली पेट अखरोट खा सकते हैं। रात को अखरोट भिगो कर रख दें, सुबह खाली पेट इन अखरोट का सेवन कर लें। दोस्तों अखरोट खाना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अखरोट के पोषक तत्वों को सही तरीके से अवशोषित करने के लिए आपको इनका सेवन भिगोकर ही करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।